फर्स्ट क्वेश्चन, नो कोई डाउट, सेकंड, थर्ड, थर्ड ध्यान से देखें तो ये जो एंगल्स हैं एक दूसरे के डबल हो रहे हैं, इसका इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, एक पावर कम होगा या जाएगा, तो इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये एंगल थीटा ले लें, ये 2 थीटा है एक तरह से, फिर ये 2 स्क्वायर थीटा, ये 4 थीटा ऐसे आ रहा है, तो टोटल कितने टर्म है यहाँ देखें, 2 का पावर 1 से स्टार्ट नहीं है यहाँ पर, 2 से है, 2 से 2008 टर्म है, तो ये 2 आप मल्टीप्लाई करो, पहले 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए बनेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, और लास्ट में इसके ठीक पहले जो यहाँ कॉस पाई अपॉन 2 स्क्वायर है, तो वैसे ही साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर आएगा, इसको भी फॉर्मूला बनाने के लिए आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो यह आ जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, और कितने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे 2 into 2 into 2 2008 टर्म्स, 2 raised to the power 2008 आ जाएगा, ये आंसर 1 upon 2 power 2008, ठीक है सर, सी पार्ट नहीं है, क्या कर रहे हो बेटा, 2009 नहीं आएगा, नहीं 2009 नहीं आएगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है देखो, 2 से लेकर 2009 तक 2008 टर्म हो गए, 1 से 2009 तक होता 1, 2, 3, कितने टर्म होते 2009, लेकिन इसमें से एक टर्म तुमने हटा दिया तो कितने हो गए 2008, क्वेश्चन नंबर 4, डाउट 4, और देखिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का क्या फॉर्मूला याद किया है आपने, 4 साइन a साइन b साइन c होता है, 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, अब यहां से साइन ए साइन बी साइन सी कितना आ जाएगा, यहां बचेगा 1 आर एच एस में 1 माइनस कॉस ए कॉस बी लिख सकते हैं, यहां से साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए साइन सी विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, क्या किया हमने, इससे सी की वैल्यू ए और बी के टर्म निकाली, साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, माइनस 1 और 1 के बीच में होता है तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 तो होगा, ऐसा कर सकते हैं बताइए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए कॉस बी लेस देन और इक्वल टू साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी को ले आइए आरएचएस में, तो 1 लेस देन इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos of a minus b, cos की वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1, cos की वैल्यू 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकती, cos की भी रेंज क्या होती है माइनस 1 से 1, तो 1 के बराबर हो सकती है 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अब cos a minus b 1 कब हुआ, cos की वैल्यू 1 कब होती है 0 डिग्री पे, तो a बराबर यहाँ से क्या आ गया b, a is equal to b, अब ये a is equal to b इसमें रख दीजिए, इसमें रखिए a बराबर b, तो sin c बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर 1, साइन सी 1 है तो सी की वैल्यू 90 डिग्री, सी 90 डिग्री है, ए और बी बराबर हैं, तो कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, क्या क्वेश्चन है क्या कैलकुलेट करना है यही बताना है, राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल सी ऑप्शन है, यह है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार इनइक्वालिटी वाला पार्ट बता दीजिएगा, देखो सबसे पहले sin 2a + sin 2b + sin 2c को लिखो, cos a sin b sin c, यहां से sin c की वैल्यू a और b के टर्म में कैलकुलेट कर ली, और sin की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 आई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको cos a cos b rhs मिलेगा, तो cos a cos b + sin a sin b फार्मूला है cos of a - b, सर cos a माइनस बी 1 से बड़ा नहीं हो सकता तो 1 के बराबर होगा, cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है तो a बराबर b आ गई, a बराबर b वापस इसमें रख दिए c आ गई, ओके सर आ गया सर, 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है, भूल गए,
ठीक है, चले आगे सर। हाँ सर, आपने एक क्वेश्चन नंबर 3 बता सकते हैं? नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका, अभी आए हो। यस सर, नेटवर्क इश्यूज की वजह से। अब लास्ट में देखना रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 सर। 5 क्वेश्चन नंबर 5 cot 25 डिग्री क्या लिखें? 1 अपॉन tan 25 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 55 डिग्री लिख सकते हैं? बोलिए। यस सर। एलसीएम लेंगे, tan 25 tan 55 कैंसिल हो जाएगा। यस सर, समझ रहे हो? पहला टर्म देखो, बचेगा 1 अपॉन tan 25 into tan, या फिर अब cot में चेंज कर लो तो वो वही क्या है, cot 25 into cot 55 बच जाएगा। फर्स्ट टर्म को सिंपलीफाई कीजिए, ये आ जाएगा। सेकंड को इसी तरह करेंगे, cot 55 into cot 100 आ जाएगा। ऐसे ही cot 100 into cot 25 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 25 plus 55 plus 100 कितना होता है? 180 डिग्री। a plus b plus c 180 हो तो क्या है फॉर्मूला? cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, क्या होता है ये? 1। आंसर आ गया, a plus b plus c 180 हो तो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 सर डाउट 8 डाउट है। देखिए यहाँ क्या लिखा, a plus b plus c पाई है, a plus c by 2 बराबर 4 sin pi by 2, tan a by 2 tan b by 2 चाहिए। इसमें a भी है, आंसर में भी c नहीं है, मतलब c को इलिमिनेट करना है एक तरह से। अब सिंपली c को रिप्लेस कर दो, c की जगह क्या लिख दो, pi minus a plus b, फिर फॉर्मूला लगा लो, आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। इसको लिख लो, pi minus a plus b by 2। जो कॉन्सेप्ट को समझो, कैसे हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, और फिर आ जाएगा आसानी से। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरे मेथड से नहीं आएगा, लेकिन ये देखो ऐसे सोच लिया कि क्यों कर रहे हैं। सी की जगह लिखो पाई माइनस ए प्लस बी, क्योंकि आंसर ए बी में चाहिए, सी नहीं है यहाँ, सी को हटाओ। ठीक है, यहाँ एलसीएम लोगे पाई बाई टू, ए टू ए माइनस ए कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए माइनस बी बाई टू, मतलब कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू आ जाएगा बराबर। ऐसे ही फोर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फोर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब cos a by 2 into cos b by 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1 plus tan a by 2 tan b by 2, यही तो निकालना है, tan a by 2 tan b by 2, cos a by 2 into cos b by 2 से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा tan a by 2 tan b by 2, यहाँ से tan a by 2 into tan b by 2 की वैल्यू आ गई कितनी, 3 by 5, ये आंसर है। ठीक है, yes, nice. एक मिनट देखो, नोट करिए फिर बताइए नेक्स्ट डाउट। यस सर, 9th डाउट। 9th डाउट हो गया सर। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। मैंने करेक्ट एंट्री अकॉर्डिंग किया, रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, क्योंकि कॉलम वन में क्या है, कोई भी एक ले लो कैपिटल आर, कॉलम वन कैपिटल आर है, कॉलम टू स्मॉल आर, ये मतलब अगर कैपिटल आर मान लो यहाँ पे अगर साइन थीटा हो तो वो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू साइन में 75 डिग्री होगी।
तो साइन स्क्वायर 75 अगर रखते हो, साइन स्क्वायर 75 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 75, मतलब क्या हो गया कॉस 75 हो गया। कॉस 75 क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, इसमें 2 से रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 4, ये लिखा एक आंसर आ गया। अगर ये साइन थीटा है तो ये कॉस थीटा है और कुछ नहीं, वही उसी एंगल का कॉस लिखना। सी पार्ट समझ रहे हो ना मेरे बात, सी पार्ट देखते हैं और पार्ट्स में, सी डी में देख सकते हो आप ऐसे। सी ही क्या है, रूट टू इसको स्क्वायर बना सकते हो क्या, टू से मल्टीप्लाई कर दें तो cos 67.5 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, रूट टू प्लस इसकी वैल्यू cos 67.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर, क्योंकि वो ऑप्शन में वही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये है ना 67.5 डिग्री, तो 67.5 डिग्री निकालना है अगर, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा रूट ओवर इसका स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos 3 पाई बाई 4 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 1 बाई माइनस 1 बाई रूट 2, तो आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये भी रूट के अंदर ही ये आ जाएगा, इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई करो तो नीचे आ जाएगा 4 उसका स्क्वायर रूट 2, यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर वैसे ये साइन 3 पाई बाई 8 आ रहा होगा, देखो साइन 3 पाई बाई 8 कैलकुलेट करके सर। भाई जिसकी वैल्यू पता है, आप मान लो क्यू की पता है आपको, तो उससे एस सी निकाल लो, कॉलम 1 से कॉलम 2 मिला लो या कॉलम 1 से कॉलम 2 मिला लो। मान लो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन इधर की तो ये वाली स्टैंडर्ड वैल्यू, सॉरी ये भी स्टैंडर्ड नहीं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना याद करोगे, 3 पाई बाई 8, ऑलरेडी बहुत सारे वैल्यूज बता दी हैं आपको जो आती हैं क्वेश्चंस में, उसके अलावा और कोई वैल्यूज कभी नहीं आई अभी तक जेईई मेंस या एडवांस में, फिर भी वैल्यूज तो बहुत सारी बन सकती है ना। साइन की टेबल होती है लॉग की टेबल की तरह, एवरी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। बताओ दोनों तरफ रूट लेके नहीं, ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस रूट ओवर 1 सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो cos थीटा क्या हो गया, रूट इसका। वैसे क्या, अब जैसे यहाँ पर ये रूट थ्री, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 36 की, उधर क्या आएगा cos 36। अब cos 36 स्टैंडर्ड नहीं है, अब cos 36 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, सॉरी ये cos 36 साइन 36 आएगा उधर, साइन 36 स्टैंडर्ड नहीं, साइन 36 कैसे कैलकुलेट करोगे बता, इसी से निकालो cos 36 से रूट ओवर 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 बाई 2 और स्क्वायर कर दो आ जाएगा। ये आएगा रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 और 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 में से। ओके सर, सिंपल एक कैपिटल आर है, इसमें रख करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी रूट के अंदर, स्मॉल आर क्या हो गया रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10 द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए यहाँ cos 12 डिग्री है, फिर 48 को क्या कहते हैं, 60 माइनस 12, फिर 72, 60 प्लस 12 फॉर्मूला बन रहा है, इन तीनों को एक साथ ले लो cos 12 डिग्री
cos 48 equal to 60 minus 12, 72 equal to 60 plus 12. दिख रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं cos 36 का. ये फार्मूला बन गया cos 36 का, 1/4 cos 36 डिग्री. दिख रहा है? Yes, अब अगला देखते हैं और क्या है यहाँ पर. 14, ये है 60 माइनस 14 और ये है 60 प्लस 14, है क्या? बोलो पॉट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल या वन अपॉन टेन लिख लो, टेन 14, 46 को लिख लो, टेन क्या लिखोगे, 60 माइनस 14, 74 को टेन, 60 प्लस 14 लिखी तो हम लोग टेन थ्री थीटा, मतलब टेन थ्री इंटू 14 42 डिग्री. कौन कौन सा टर्म बच गया देखो सर, cos 48 को क्या लिखोगे, cot 48 को ले सकते हो 90 माइनस 42 कितना होता है, tan 42 होता है, बन आ जाएगा सर. यस, इसको लिखोगे 180 माइनस 18, 182 162 लास्ट वन दैट इज sin 18. ये तो कैंसिल हो गया, sin 18 और cos 36 दोनों की वैल्यू पता है आपको, रूट फाइव प्लस 1/4 एंड रूट फाइव माइनस 1/4 आंसर आ गया. ठीक है, यस सर.